रेजिस्टेंस, ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस जो कि हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में पढ़े थे, राइट, ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटेंस। तो उसी तरह से दो तरह के होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसको बहुत ही फास्ट हम इसको समझते हैं कि किस तरह से डेरिवेशन करना है। तो द सर्किट अरेंजमेंट ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन शोन इन फिगर, तीन हमने रजिस्टर ले लिए, दिस इज कॉल्ड रजिस्टर, रजिस्टर का सिंबल होता है, राइट। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, रजिस्टर का इवन टेंथ में आप लोग पढ़ रखे हैं कि रजिस्टर का सिंबल क्या होता है। इस तरह से आप इस तरह से कहीं भी इस तरह से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया होगा, तो दैट इज द सिंबल ऑफ रजिस्टर, राइट। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में थ्री रजिस्टर है, एक की रजिस्टेंस आर वन है, दूसरे की आर टू और तीसरे की आर थ्री, इसको हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया। दैट मीन्स कि यहाँ पर भी ये इसका एंड है, समझ लो यहाँ पर और यहाँ से यहाँ तक, इसको ऐसे हम इमेजिन कर ले रहे हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये फर्स्ट रजिस्टर है, यहाँ से लेकर के यहाँ से यहाँ तक ये सेकंड रजिस्टर है, और यहाँ से यहाँ तक ये थर्ड रजिस्टर है, राइट। इसको फिर हमने एक सेल से कनेक्ट कर दिया, ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये निगेटिव टर्मिनल है, राइट। तो द सर्किट एलिमेंट ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन शोन इन फिगर, थ्री रजिस्टर रेजिस्टेंसेस आर वन आर टू आर थ्री। अब इस रजिस्टर की रजिस्टेंस क्या होगी, आर वन आर टू आर थ्री आर कनेक्टेड एंड्स टू एंड्स, एक दूसरे के एंड से एक दूसरे से कनेक्टेड है, एंड द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप एट द एंड आर वी वन वी टू वी थ्री। अब इसके क्रॉस पोटेंशियल कितना होगा, यहाँ से इसके क्रॉस आर वन के क्रॉस पोटेंशियल वी वन हो जाएगा, और आर टू के क्रॉस पोटेंशियल वी टू हो जाएगा, और आर थ्री के क्रॉस पोटेंशियल वी थ्री हो जाएगा, राइट। तो देयरफॉर द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, हमने पोटेंशियल टोटल पोटेंशियल कितना था, वी था, तो इस कितने के इक्विवेलेंट हो गया, वी वन वी टू और वी थ्री, राइट। जस्ट उसको समेशन कर दिया, दैट इज इक्विवेलेंट टू वी इज इक्वल टू वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री। ये सबसे ईजी डेरिवेशन है, राइट। इस पे प्रॉब्लम थोड़ा सा अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो बहुत इजीली इस पे सॉल्व कर लेंगे, राइट। तो नेक्स्ट है, अब हमें मालूम है ओम्स लॉ, एज यू नो दैट v इज इक्वल टू आई आर, राइट। तो इधर हमें लेफ्ट हैंड साइड में v इज इक्वल टू आई आर रख देंगे, तो इसके इस फर्स्ट के अक्रॉस कितना पोटेंशियल हो जाएगा। अब देखिए इसके अक्रॉस करंट तो सेम है, आई करंट है, करंट सारे में सेम जा रहा है, राइट, और पोटेंशियल डिफरेंस है, उसका रेजिस्टेंस डिफरेंट है, राइट। तो इसका हो जाएगा जो पोटेंशियल होगा दैट इज आई आर वन, क्योंकि करंट आई हो गया और रेजिस्टेंस कितना है, आर वन है। किस फॉर्मूले से, वी इज इक्वल टू आई आर से, राइट। तो इसके क्रॉस आई आर वन हो गया, इसके क्रॉस पोटेंशियल आई आर टू हो गया, इसके क्रॉस आई आर थ्री हो गया। तो जस्ट इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में हमें तीनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना है, वी वन वी टू वी थ्री की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ड्राइव हो जाएगा। जस्ट कॉमन करके ये देखिए, इसको मैं तो ये हमने इसमें से आई आप कॉमन ले लोगे तो आई इधर का कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर कॉमन ले लीजिए तो आई सारा कैंसिल आउट हो गया, तो R इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। तो दैट R क्या है, यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टर, राइट। किसी सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, राइट। तो इसको कंप्लीट कर लिए, तो हम लोगों ने जो डेरिवेशन फाइंड आउट किए सीरीज कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस का, वो आया आर इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ये ध्यान रखना है कि जब हमने कैपेसिटेंस की बात किए थे सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो वो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आया था वन अपॉन सी इज इक्वल टू
उसमें तीन कैपेसिटर हमने यूज किए थे, तो वन अपॉन सी वन, वन अपॉन सी वन प्लस वन अपॉन सी टू प्लस वन अपॉन सी थ्री प्लस वन अपॉन सी थ्री। ये आपको याद रखना है कि रेजिस्टेंस ये वन अपॉन के फॉर्म में होता है, राइट। कैपेसिटेंस जो हम लोगों ने पहले पढ़े थे सीरीज कॉम्बिनेशन में वन अपॉन सी वन के टर्म में होता है, वन अपॉन सी के टर्म में होता है कैपेसिटर। और रेजिस्टेंस होता है आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, राइट। अब इसके जस्ट उल्टा हो जाएगा नेक्स्ट वाले डेरिवेशन, ये चीज को आपको माइंड करना है सो दैट कि न्यूमेरिकल में मिस्टेक ना हो। राइट, नेक्स्ट डेरिवेशन कंप्लीट करते हैं बहुत ही फास्ट। पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या हो जाएगा, इसी तरह से हमने तीन रजिस्टर ले लिए, हर एक की रजिस्टेंस अलग अलग है, पहले वाले की R1, दूसरे की R2, तीसरे की R3, इस तरह से पैरेलल एक दूसरे के पैरेलल हमने इसको कनेक्ट कर दिए। तो यहाँ पोटेंशियल उसका जो हमने इसको सर्किट को दे रखा है दैट इज V, कैपिटल V, तो पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, राइट। और नेगेटिव टर्मिनल ये तो आपको अंडरस्टूड है क्योंकि ये इस तरह से कनेक्ट होता है कि ये जो लॉन्गर लाइन्स होते हैं उसको पॉजिटिव से और जो स्मॉल लाइन्स होते हैं वो नेगेटिव रिप्रेजेंट करते हैं सर्किट में, राइट। तो तीन लेट आर वन आर टू आर थ्री विद थ्री रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन पैरेलल एज शोन इन द फिगर, इस तरह से हमने कनेक्ट कर लिए। लेट आई वन इज द करेंट पासिंग थ्रू आर वन, आई टू इज द करेंट पासिंग थ्रू आर टू एंड आर थ्री इज द करेंट पासिंग थ्रू आर थ्री, एंड टोटल करेंट I is equal to I1 plus I2 plus I3. Simple. ये जो भी कहानी लिखा है इसको ऐसे लर्न करने की जरूरत नहीं है। हमने कहा कि यहाँ से हमने करंट इसमें जो फ्लो हो रहा है वो I हो रहा है, इधर से भी I गया और यहाँ से वापस I आएगा, राइट। जो भी यहाँ पर लॉसेज हो, मैं जस्ट इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि यहाँ पर करंट हमने सप्लाई दिए तो यहाँ पर यहाँ जो जाएगा दैट इज फर्स्ट वाले में I1 हमने कह दिया, सेकेंड वाले में I2, राइट, सेकेंड वाले में I2 कह दिए, R2 में I2 करंट, राइट, I2, और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो I3, राइट। तो टोटल करंट कितना था, हमने तो I1 इसको प्रोवाइड किए थे, तो ये तीन पार्ट में बढ़ गया, दैट मींस कि द सम ऑफ दीज थ्री करंट्स दैट शुड बी इक्विवेलेंट टू इनपुट I, यही, देन द टोटल करंट I is equal to I1 plus I2 plus I3, बिल्कुल सेम ओम्स लॉ का फॉर्मूला इसमें यूज करेंगे। अब हम करंट इसके क्रॉस फाइंड आउट कर लेते हैं, राइट। पोटेंशियल इसके क्रॉस सेम है, राइट, हर एक के क्रॉस पोटेंशियल सेम है, तो करंट हम कैलकुलेट कर लेंगे सारे के क्रॉस। तो अब ओम्स लॉ V is equal to IR, I is equal to V upon R, that means कि हमने करंट कितना प्रोवाइड कर रहे हैं, I upon, sorry, V upon R. तो फर्स्ट वाले के क्रॉस करंट कितना हो जाएगा, V upon R1, सेकेंड वाले के क्रॉस कितना होगा, V upon R2, and थर्ड वाले के क्रॉस V upon R3, simple. अब ये तीनों वैल्यू I1, I2 और I3 की वैल्यू हमें इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इस इक्वेशन में ये जो अभी हमने फॉर्मूला ये जो फाइंड आउट किया इसमें ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे, I1 की जगह V upon R1, I2 की जगह V upon R2 और I3 की जगह V upon R3, राइट, और I की जगह V upon R। देखो ये V इधर से कॉमन ले लो तो 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3, V V दोनों कैंसिल आउट हो गया, तो 1 upon R is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3, राइट। तो ये इजी सा डेरिवेशन है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, राइट, इसको आप प्रैक्टिस एक दो बार करेंगे ये आ जाएगा और बहुत ही फास्ट। आपको जस्ट अब यहाँ पर आपको देखना है ये, अब देखिए हम लोग उस उधर कैपेसिटेंस जो का जो डेरिवेशन किए थे वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या आया था, C इज इक्वल टू सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री, सी इज इक्वल टू सी वन प्लस सी टू और प्लस सी थ्री, राइट। और यहाँ पर जस्ट उसके
अपोजिट है, राइट। यहाँ 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, ये आपको ध्यान रखना है, राइट। अगर ये इसमें कंफ्यूज हो जाओगे तो फिर न्यूमेरिकल में 100% मिस्टेक हो जाएगा। तो ये जस्ट आप अपोजिट याद रखेंगे, सीरीज का पहले वाला पार्ट आपको ध्यान रखना है कि सीरीज कॉम्बिनेशन का कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला होता है 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 होता है, और सीरीज कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होगा वो इनवर्स के फॉर्म में नहीं होगा, आर इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। ये तो इस तरह से हो गया। और जस्ट दूसरा जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमें मालूम है कि हमने ये डेरिवेशन पहले कर लिए थे कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो कैपेसिटेंस होता है सी इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 होता है। तो जस्ट ये डायरेक्ट है, तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस होगा वो इनवर्स में होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, राइट। तो वहां भी हमने एक स्पेशल केसेस किए थे कि अगर किसी सर्किट में दो ही रेजिस्टेंस हो, यहाँ पर हमने इसमें जो डेरिवेशन कर रहे हैं तो इसमें हमने तीन रजिस्टर की बात कर रहे हैं, यहाँ पर तीन पैरेलल रजिस्टर, अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर R1 और R2 देन व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी होगी। तो आपको मालूम है फॉर्मूला, एक डायरेक्ट फॉर्मूला वहां पर हमने किए थे C1 C2 upon C1 plus C2, तो यहाँ आ जाएगा। ये ध्यान रखिएगा कि 1/rp या 1/cp कभी भी इक्विवेलेंट नहीं होता है, जो यहाँ पर इसको हम इक्विवेलेंट बोलते हैं, 1/rp या 1/cp को नहीं बोलेंगे, राइट। तो इसको सॉल्व करके जस्ट एलसीएम ले लिए, देखो यहाँ पर तीन के लिए 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 था, यहाँ दो के लिए जस्ट हो जाएगा 1/rp फॉर पैरेलल, राइट। पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए 1/rp इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, एलसीएम R1 R2 हो गया, राइट। और ऊपर R2 प्लस R1 बात एक ही है, R1 प्लस R2 कह सकते हैं, तो इसको इनवर्स कर दिए, जस्ट उल्टा कर दिए इसको, तो RP इज इक्वल टू R1 R2 ऊपर हो जाएगा, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, राइट। वहां भी हम लोगों ने क्या फॉर्मूला ड्राइव किए थे, CP इज इक्वल टू ये RP था, तो CP इज इक्वल टू CP इक्वल टू C1 C2 upon C1 plus C2, राइट। तो दिस इज द डेरिवेशन फॉर ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस, दिस इज ऑल अबाउट डेरिवेशन ऑफ रेजिस्टेंस। दिखा दो